ओके, हमारा जो पहला एलिमेंट था पेइंग अटेंशन टू डिटेल, अब हम इसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा डिटेल में ज़रा कि पेइंग अटेंशन टू डिटेल से मुराद क्या है। इन प्रोग्रामिंग द डिटेल्स मैटर, याद रखिएगा प्रोग्रामिंग के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो आपकी डिटेल होती हैं। अगर आपको प्रॉब्लम से रिलेटेड डिटेल्स अवेलेबल आपके पास नहीं है या आपको प्रॉब्लम की डिटेल्स के बारे में आइडिया नहीं है तो आप कभी भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। आपकी प्रोग्रामिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी डिटेल स्किल्स हैं। डिटेल्स बड़ी मैटर करती हैं। अ गुड प्रोग्रामर ऑलवेज एनालाइज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वेरी केयरफुली एंड इन डिटेल। एक अच्छा प्रोग्रामर कभी भी बगैर सोचे समझे अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व नहीं करता। एक अच्छा प्रोग्रामर हमेशा चीज़ों को पहले एनालाइज करता है, उसको देखता है, केयरफुली रीड आउट करता है, डिटेल के अंदर स्टडी करता है और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। यू शुड पे अटेंशन टू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। उसको हर लिहाज से उसके ऊपर तवज्जो रिक्वायर्ड है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल कोट करूँगा कि जिस तरह एक छोटे से बच्चे को आपकी अटेंशन रिक्वायर्ड होती है ना, इसी तरह आपके प्रोग्राम को भी आपकी हर एंगल से आपकी जो अटेंशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। सो यू कांट बी अनक्लियर। आप कभी भी अनक्लियर नहीं हो सकते। अगर आप कहते हैं कि जी आपके पास अटेंशन नहीं थी या डिटेल फर्दर आपके पास नहीं थी तो आप कभी भी चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। सो योर प्रोग्राम 3/4 ऑफ द वे देन से यू नो व्हाट आई मीन एंड हैव द कंपाइलर फिगर आउट द रेस्ट। 3/4 आपके पास होता है कि आप क्या जानते हैं, बाकी आप कंपाइलर पर छोड़ दें कि वो चीज़ों को कैसे ट्रीट कर रहा है। लेकिन कंपाइलर के पास जो चीज़ आपने भिजवानी है ना वो इस फॉर्म में होनी चाहिए कि कंपाइलर उसको क्विकली अंडरस्टैंड कर ले, ना कि कंपाइलर पहले आपकी गलतियों और कोताहियों को देखता रहे और पता लगे जनाब यहाँ से तो लॉजिक समझ ही कुछ नहीं आ पा रही। देखें, लॉजिक को अंडरस्टैंड करने का काम कंपाइलर का नहीं है। कंपाइलर का काम सिर्फ ग्रामेटिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस को वेरीफाई करके आपकी गिवन स्टेटमेंट्स को मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू में कन्वर्ट करना है। सो फर्दर मोर यू शुड पे अटेंशन टू द कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड इन द प्रोग्राम, इट्स फ्लो, द मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम में कौन कौन सी कैलकुलेशंस हो रही हैं, उसका फ्लो किस तरफ मूव कर रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लॉजिक, कि आप लॉजिक जो बिल्ड कर रहे हैं वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। देखिए ना, आपने प्लस लिखना था, आप गलती से माइनस लिख चुके हैं। अब कंपाइलर को ख्वाब तो नहीं आनी ना कि गलती आपकी है या कंपाइलर की है, तो डेफिनेटली मिस्टेक आपकी है। तो जब रिजल्ट रॉन्ग आएंगे तो आपको तब एहसास होगा, रियलाइज़ होगा, हाँ दैट इज़ माई मिस्टेक। सो समटाइम अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस डज नॉट मेक एनी सेंस। अच्छा, बाज़ुकात ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो ग्रामेटिकली करेक्ट होती हैं लेकिन उनकी कोई सेंस नहीं होती है। सो इट मे हैपन दैट अ प्रोग्राम इज ग्रामेटिकली करेक्टेड, इट कंपाइल्स एंड रन बट प्रोड्यूस द इनकोरेक्ट और अबसर्ड रिजल्ट एंड डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। समटाइम ऐसा होता है कि आप ग्रामेटिकली चीज़ बिल्कुल सही लिख रहे हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, प्लस लिखना था माइनस लिख दिया, तो ग्रामेटिकली वो चीज़ बिल्कुल ठीक है लेकिन लॉजिकली वो इनकोरेक्ट है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। तो जो डिटेल ऑफ प्रोग्राम है दैट इज एक्चुअली द लॉजिक ऑफ दैट प्रोग्राम, ये उस प्रोग्राम की लॉजिक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज थिंक अबाउट द रीयूजेबिलिटी। जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले भी डिफाइन किया था कि रीयूजेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बेवकूफ़ी कंसीडर की जाती है कि एक चीज़ पहले से अवेलेबल है और आप उसको दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हेन एवर यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इट कुड बी रीयूज्ड एट सम अदर टाइम। आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे हैं ना उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर सोचें कि आगे चल के किसी और प्रॉब्लम के अंदर भी इस्तेमाल हो सकता है। Also try to write in a way that it can be used to solve some other related problem. A classic example यहाँ पे quote करते हैं, suppose we have to calculate the area of a given circle. आपने एक circle का area find करना है and we know that the area of circle is pi r square. Now we have written a program which calculates the area of a circle with given radius. At some later time we are given a problem to find out the area of a ring.
अब रिंग क्या है, वो भी तो सर्कल की टाइप है, तो अगर एरिया ऑफ अ रिंग फाइंड करना है तो इनर और आउटर सर्कल दो सर्कल हो गए इसके अंदर, तो क्या करेंगे आप, द एरिया ऑफ अ रिंग कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ अ आउटर सर्कल फ्रॉम द एरिया ऑफ अ इनर सर्कल। तो अब देखिए यहाँ पे रेडियस का फार्मूला आपके पास, जो एरिया फाइंड करने का सर्कल का फार्मूला था, वो दोनों में यूज़ हो गया। सो हैंस वी कैन यूज़ द प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ अ सर्कल टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रिंग। सो रीयूजबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप जो भी प्रोग्राम लिखें उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करें, कल को वो किसी और प्रॉब्लम के लिए यूजफुल हो सकता हो, किसी और प्रॉब्लम के अंदर सॉल्व हो सकता हो, एडजस्टेबल हो, रीयूजेबल हो। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज थिंक अबाउट द गुड यूजर इंटरफेस। आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपके लिए आसानी क्या है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। कस्टमर क्या पसंद करता है, कस्टमर को इंटरफेस क्या रिक्वायर्ड है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एज प्रोग्रामर वी अज्यूम दैट कंप्यूटर यूजर्स नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, दिस इज अ बिग मिस्टेक। कंप्यूटर यूजर बहुत कुछ जानते हैं, ये सबसे बड़ी प्रोग्रामर की मिस्टेक होती है। और भाई यूजर कुछ नहीं जानता, यूज़र कुछ नहीं जानता, यूज़र को सिर्फ ये पता है कि मैंने क्लिक कहाँ पे करना है, प्रिंट कहाँ से करना है, डिलीट कहाँ से करना है, ऐड कहाँ से करना है। डिलीट कैसे हो रहा है, यूज़र को इस बात से कतई तौर पे कंसर्न नहीं होता और ना ही ज़रूरी है कि उसको पता हो। सो नेवर अज्यूम दैट द यूज़र ऑफ योर प्रोग्राम इज़ कंप्यूटर लिटरेट, कि उसे पता है कंप्यूटर के बारे में, उसे कुछ नहीं पता, मशीन आर स्टूपिड। तो यूज़र को भी कंसीडर कर लें कि जनाब उसे इतनी डिटेल नॉलेज अवेलेबल उसके पास नहीं है। सो ऑलवेज प्रोवाइड एन ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू यूज़ इंटरफेस दैट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जो खुद डिफाइन कर रहा हो अपने आप को, ऐसी चीज़ें डिफाइन करें। जैसे आपको याद होगा एक एग्जांपल मैंने जो स्टार्ट पे करवाई है आपको ऐड करने की दो नंबर्स को, तो यूज़र को मैसेज दें भाई नंबर वन की वैल्यू चाहिए मुझे, नंबर टू की वैल्यू चाहिए। तो दो वेरिएबल जिनको सम करना है दोनों की वैल्यूज रिक्वायर्ड है, यूज़र से पूछें, बताएं उसको, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। तो यूज़र इंटरफेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कंप्यूटर आर स्टूपिड, कंप्यूटर्स आर एक्सट्रीमली स्टूपिड, सो दे डू एग्जैक्टली व्हाट यू टेल देम टू डू, नो मोर नो लेस, अनलाइक अ ह्यूमन बींग। आपने मशीन से कहा शूट हिम, इंसान तो कहे ना, तो वो पहले सोचेगा कि यार ये सामने खड़ा हुआ आपका भाई है, मर जाएगा, गोली लगेगी, मर जाएगा। बट मशीन ये चीज़ें नहीं सोचती, मशीन ने ऑर्डर फॉलो करना है। आपने कहा शूट हिम, उसने गोली मार देनी, वो शूट कर देगा। सो कंप्यूटर्स कांट थिंक बाय देमसेल्फ, वो खुद से कुछ नहीं सोचता। सो इन दिस सेंस दे डिफर फ्रॉम ह्यूमन बींग, ये वजह कि वो इंसानों से डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ समवन आस्क यू व्हाट इज़ द टाइम, या टाइम प्लीज़, और जस्ट टाइम, यू अंडरस्टैंड एनी वे दैट ही इज़ आस्किंग अबाउट द टाइम। क्या ख्याल है, वो टाइम के बारे में पूछ रहे हैं ना, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट कंप्यूटर इज़ डिफरेंट, कंप्यूटर के लिए ये सारे क्वेश्चन डिफरेंट हैं, इन हर एक क्वेश्चन का मतलब डिफरेंट होगा कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर शुड बी एक्सप्लिसिटली स्टेटेड, सो कंप्यूटर विल टेल यू द टाइम ओनली इफ़ यू आस्क इट इन द वे यू हैव प्रोग्राम्ड इट। आपने जिस तरीके से टाइम बताने का तरीका कंप्यूटर को समझाया ना, वो सिर्फ उसी तरीके से आपको जवाब देगा। उसके अलावा आप जो मर्जी आप उसे क्वेश्चन करते जाएं, वो कभी भी आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बताएगा, जब तक कि उसको वो क्वेश्चन नहीं करेंगे जो उसको समझाया गया कि ये क्वेश्चन किया जाए तो मुझे तुमने ये जवाब देना है। सो व्हेन यू आर प्रोग्रामिंग, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, इट हेल्प्स टू बी एबल टू थिंक as a stupidity as the computer does, so that you are in the right frame of mind for specifying everything in minute detail and not assuming that the right thing will happen by itself. कि वो stupidity जो कर रहा है ना computer, वो खुद से कभी भी उसको resolve नहीं करेगा, आप उसको guide करेंगे, आप उसको program करेंगे, बताएंगे what to do, how to do, क्या करना है, कैसे करना है।